नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बात करने वाला हाँ कि फ़ोन पे आईफोन 6 5S में यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आईफोन 6 5 और 5 प्लस के अंदर आपको अब कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, जिसके अंदर आप अब UPI यूज़ नहीं कर पाओगे। दोस्तों तो मेरे पास 6S है, तो 6S के अंदर अब लेटेस्ट अपडेट मिल चुका है 14.3 का। तो दोस्तों इसके अंदर मैं UPI यूज़ कर पा रहा हूँ, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अन्य UPI यूज़ कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आपके पास आईफोन यानी कि 6 5 5S 4 के अंदर आप नहीं चला पाओगे UPI, गूगल पे या फोन पे, कोई भी UPI नहीं चला पाओगे, क्योंकि उसके अंदर अपडेट देना एप्पल यानी कि बंद कर दिया है। दोस्तों क्योंकि एप्पल प्रॉमिस करता है 5 वर्ष के लिए सिर्फ देता है, अपडेट देता रहता है। दोस्तों तो आईफोन 6 5S को 5 वर्ष हो गए पूरे, और 6S को अभी 14.3 का अपडेट मिला है। दोस्तों तो ये लास्ट अपडेट है, इसके बाद कुछ अपडेट नहीं मिलने वाला, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। दोस्तों तो आपको फ़ोन को अपग्रेड कर देना है, यानी कि दूसरा ले लेना है, या आपको इसी पे काम चलाना होगा, तो UPI पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा। दोस्तों तो दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।